नमस्कार दोस्तों। दोस्तों राजस्थान के टोंक शहर के कोतवाली पुलिस थाने में आरएलपी प्रमुख व सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दोस्तों हनुमान बेनीवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाए, इसी को लेकर कोतवाली थाने में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ये मामला बीजेपी के शिक्षक प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक नीलिमा सिंह आमेरा की ओर से दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज होने के बाद जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों पुलिस ने बताया है कि बीजेपी नेता नीलिमा आमेरा की रिपोर्ट पर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद बेनीवाल की ओर से फरवरी महीने में सार्वजनिक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेनीवाल की ओर से वसुंधरा राजे पर एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर अभद्र टिप्पणियां की गई है। ऐसी स्थिति में इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद बीजेपी नेता नीलिमा ने कहा कि सांसद के मन में महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं है। बेनीवाल आए दिन सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वे सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि फरवरी माह के एक वीडियो में सांसद बेनीवाल ने राज्य के खिलाफ द्व्यर्थी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो किसी भी महिला को स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई महिला उनके पास जाकर क्या सहयोग की अपेक्षा कर सकती है। उन्होंने एक महिला होने के नाते सांसद के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।